भारत में भगवान श्री राम के साथ लोगों की ढेर आस्था जुड़ी है। ऐसे में जय श्री राम के नारे हो या फिर राम मंदिर, भगवान श्री राम के सैकड़ों भक्त हैं। भगवान राम के भक्त जो हैं वो लगातार फिल्म आदि पुरुष का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में बाहुबली से पैन इंडिया स्टार बन चुके प्रभास की मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष का फाइनली टीजर जो है वो रिलीज हो चुका है और भगवान राम बने प्रभास की पहली झलक देखकर तो फैंस यानी कि राम भक्तों का तो जो दिल है एकदम प्रसन्न हो चुका है। आपको बता दें फिल्म आदि पुरुष जो है रामायण पर आधारित है। इससे पहले भी हमने जो है भगवान राम बने अरुण गोविल को भी देखा है, हमने गुरमीत चौधरी को भी देखा है और हम रामायण की कहानी बखूबी जानते हैं। मगर क्या होने वाला है इस फिल्म में खास, क्योंकि प्रभास का वो दमदार अंदाज, उनके वो डायलॉग और जिस तरह से जो है फिल्म का VFX है, डायलॉग्स है, वो कमाल लग रहे हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी कहानी जानते हैं, युगों युगों से सुनते आ रहे हैं भगवान राम की गाथा, मगर अब जो है प्रभास आपको अपने नए अवतार में जो है बहुत ही इम्प्रेस करने वाले हैं। वही अगर बात करें सैफ अली खान की तो रावण के अवतार में सैफ अली खान ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। मतलब इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर देते हैं, इतना सरप्राइजिंग एलिमेंट है सैफ अली खान का। वही जानकी यानी कि माता सीता बनी कृति सनन भी बेहद खूबसूरत लग रही है। हालांकि टीज़र में जो है काफ़ी कुछ झलक सामने आती है, बहुत ही अलग लगता है क्योंकि VFX कमाल के हैं, बैकग्राउंड की बात करें कमाल की होने वाली है। कुल मिलाकर जो है काफ़ी ज़्यादा सूदिंग, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है आदि पुरुष का टीज़र। बात करें फिल्म के डायरेक्टर की तो ओम राउत ने जो है फिल्म को डायरेक्ट किया है। इससे पहले ओम राउत जो है तानाजी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं जो ऑलरेडी नेशनल अवार्ड जीत चुकी है। अब आपको बता दें कि आदि पुरुष जो है 12 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ये 5 languages में रिलीज होगी। वही अगर रिपोर्ट्स की माने तो 500 करोड़ रुपये के बजट में बनी है प्रभास की आदि पुरुष, जो अब तक की सबसे बड़ी मेगा बजट फिल्म बताई जा रही है। प्रभास को हमने से पहले बाहुबली जैसी मेगा बजट फिल्म में देखा है और इस फिल्म में जो उनकी झलक सामने आई है राम के अवतार में, भगवान श्री राम के अवतार में, तो बहुत ही ज़्यादा जो है सूदिंग लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम। राम को तो वैसे भी पूजनीय माना जाता है हमारे देश में और अगर बात करें जिस तरह से वो किरदार इसमें निभा रहे हैं तो मुझे लगता है कि फैंस तो बेहद ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि फिल्म कब रिलीज़ होगी। भगवान श्री राम के अगर राम मंदिर की बात करें तो भैया राजनीति में भूचाल आ चुका था जब राम मंदिर की बात आती है, और वैसे भी भगवान राम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, सेंटिमेंट्स काफ़ी जुड़े हुए हैं इस फिल्म से। तो अब अभी तो फिलहाल टीज़र आया, मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रेलर के लिए भी फैंस बेहद एक्साइटेड है और फिल्म जो है मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि 12 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। अब आप जो लोग टीज़र देख चुके हैं और जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आदि पुरुष का टीज़र कैसा लगा और क्या कुछ खास लगा और कितने एक्साइटेड है फिल्म के लिए, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और TV से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट, और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।